मिसाल, मिर्जा कादियानी दुनिया में आया तो उसने दावा किया मैं महदी हूं, मैं मसीह हूं, और उसके लिए उसने कुरान और हदीस को पेश किया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले, इस आयत को पेश किया, सूरह सफ की आयत, इस आयत को पेश किया और लोगों को बताया कुरान ने कहा आखिर जमाने में एक रसूल आने वाला है, वो जिसकी पेशन गोई दी गई थी वो मैं हूं, लिहाजा तुम मुझे फॉलो करो। चुनांचे उसमें से बहुत सारे लोगों ने उसको कबूल किया। उनमें से एक बदबख्त हमारे जम्मू का भी रहने वाला था, हकीम नूरुद्दीन, इसी जम्मू का रहने वाला था, जो उसका हकीम भी था, और एक और उसका खलीफा आ गया था, वो भी यही इसी रियासत का रहने वाला था। और उस बदबख्त ने एक और दावा कर दिया, जो शहर खास श्रीनगर के रहने वाले हैं वो जानते हैं, वहां मोहल्ला खानियार है, और मोहल्ला खानियार में एक मशहूर जियारत है, एक उसके पीछे एक छोटी सी जियारत है। उस जो मशहूर जियारत के पीछे एक छोटी और जियारत है, उसके बाहर लिखा है मकबरा मोहम्मद यूसुफ। इस बदबख्त ने कुरान की आयत को लेकर यह कहा, इला रब्बतिन दाति करारी व मकीन, सूरह मोमिन की आयत को लाकर कहा, अल्लाह ने कहा था हजरत ईसा एक पहाड़ों वाले बागात वाले खूबसूरत जगह पर नमूदार और जाहिर होंगे, नाजिल होंगे, अल्लाह ने उसको कश्मीर में उतारा, कश्मीर में बागात भी है, कश्मीर में पहाड़ भी है, कश्मीर में नदियां भी है, बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोग भी बहक गए। खुल्लम खुल्ला मिर्जा कादियानी का कुफ्र है। कुरान ने सराहतन ऐलान कर दिया था कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबियीन, नबियों पर मोहर लगाने वाले हैं। और तकरीबन 200 हदीसें वो है जो खत्म नबूवत को साबित करती है, और सराहत के साथ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। लेकिन मिर्जा कादियानी बदबख्त ने जब कुरान की आयात को कोड किया, हदीसों को पेश किया और उनकी गलत तफसीर और तशरीह की, तो सादा लो मुसलमान, सादा लो आवाम उनकी बातों में आकर मिर्जा कादियानी लानतुल्लाही अलैहि, मिर्जा कादियानी पर करोड़ों लानतें हो, और मिर्जा कादियानी की कब्र पर करोड़ों लानतें हो, उस बदबख्त की बात को बहुत सारे मुसलमानों ने तब भी फॉलो किया, आज भी फॉलो कर रहे हैं। सराहतन वजाहतन कुरान हदीस उनके सामने पेश की जाए, फिर भी वो लोग कहते हैं नहीं, मिर्जा कादियानी मसीह मौऊद है। ये वो लानती फिरका है, ये वो जिंदीक फिरका है, ये वो खबीस फिरका है, ये वो सबसे कायनात का बदतरीन फिरका है, जिस फिरके की बदतरीनियत इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर इस वक्त के गुमराह फिरकों में से कोई भी नहीं है, यानी वो जो काफिर है। एक काफिर के हाथ का मुसलमान खा सकता है, लेकिन मिर्जा कादियानी के फॉलोअर और मिर्जा कादियानी को मसीह या नबी या मुजद्दिद मानने वाले के हाथ से खाना किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। कादियानियों के होटल पर रात गुजारना मुसलमान के लिए जायज नहीं, कादियानी के होटल पर खाना खाना मुसलमान को जायज नहीं, कादियानी के यहां रिश्ता करना मुसलमान को जायज नहीं, कादियानी से मुसाफा करना मुसलमान को जायज नहीं, कादियानी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना यह जायज नहीं बल्कि कुफ्र है।
कादियानी की पार्टी में शरीक होना ये मुसलमान के लिए जायज नहीं है। बहुत सारे मुसलमान बहस करते आगे से ना तथ क्या गो तुम तिश्ती कुरान मानन तिश्ती कुरान मानन तुम तिश तमसी खुदायस मानन तमसी खुदायस मानन तुम तिश तथी काबास मानन तथी काबास मानन। धोखा है, धोखा है। इन बदबख्तों से कहो ये हज के फार्म पर लिखे हम मिर्जा कादियानी को महदी मानते हैं, हम मिर्जा कादियानी को मसीह मानते हैं, फिर फार्म भरे हम ये देखते हैं कि सऊदी हुकूमत उनको एलो करती है या रिजेक्ट करती है। बदबख्तो तुम्हें तो दुनिया में खाने काबा का रास्ता तुम्हारे लिए रोक दिया गया है और तुम ये कहते हो हम सही हैं, ये गलत है। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है उनके साथ मेल मिलाप रखना। नादान मुसलमान कहते हैं दबन्हाज कुरान हदीस इस्लाम नरमी की बात करता है, नरमी की दावत देता है, भाईचारे की बात करता है। हाँ ओ नादान मुसलमान, कुरान भाईचारे की बात करता है लेकिन इन जिंदगियों के साथ नहीं। कुरान वातसिमू बिहब्लिल्लाह कहता है लेकिन इन जिंदगियों के लिए नहीं। कुरान आपस में मेल मिलाप की बात कहता है लेकिन इन खबीसों के लिए नहीं। काफिर के साथ हाथ मिला सकते हो, काफिर के साथ जरूरत के वक्त में एक प्लेट में बैठकर खा सकते हो लेकिन कादियानी के साथ नहीं खा सकते हो। कंडीशन के साथ खा सकते हो, बैठ सकते हो, होटल में जा सकते हो। अगर उसने दाल पकाई है उस दाल को उसके हाथ की पकी हुई खा सकते हो लेकिन इस जिंदीक ने, इस खबीस ने, इस मुर्तद ने अगर मुसलमान जाबे के यहां से, मुसलमान कसाई के यहां से गोश्त लाया हो और पकाया हो तब भी नहीं खा सकते हो। फर्क है दोनों के अंदर। लेकिन सादा लोग मुसलमान जब इस तरह की बात सुनते हैं वो धोखा खा जाते हैं। दबन्ना ये चुती वनन, ये चुती वनन, यह है वो जमाते कि जो मुसलमानों को गुमराह कर लेंगी। ताजा मिसाल देखो, ताजा मिसाल बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। कल एक नालायक इंसान उठकर ऐलान करता है, कुरान करीम के अंदर 26 आयतें वो है जिनको कुरान से रिमूव करना चाहिए, ये कल की बात है, और कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर करता है कि कुरान से 26 आयतों को रिमूव कर लो। और नादानी की इंतहा देखो, बेवकूफी की इंतहा देखो, कलवराई मन छू न कल न्यंग रंग चकन किए तेना बगैर दिमाग के, जिसको कहते हैं हम कानून दान है। वो कानून दान कहता है खुल्लम खुल्ला हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। और बक्कू और बेवकूफ, कुरान किस चीज का नाम है? कुरान एक मजहब की बुनियाद है, कुरान इस्लाम की बुनियाद है। अलायाज़ बिल्ला कुरान को हटा दो इस्लाम तो रहेगा ही नहीं। हम तो कुरान के फॉलोअर है और कुरान की एक आयत के नहीं, कुरान की एक सूरत के नहीं, कुरान के एक पारे के नहीं, कुरान की एक आयत के नहीं, बल्कि हम कुरान के एक एक नुक्ते पर ईमान रखते हैं, एक एक हर्फ पर अकीदा रखते हैं। ये कुरान का एक एक हर्फ हक है, कुरान का एक एक नुक्ता ये हक है, कुरान की जबर और जेर ये हक है, कुरान की हर आयत हक है, पूरा कुरान हक। जो कुरान के एक नुक्ते के खिलाफ बोलेगा हम ये समझते हैं वह इस दुनिया में रहने वाला एक पागल है, एक दीवाना है, एक बेवकूफ है, वह अकलमंद भी नहीं हो सकता चाहे कि वो किसी इंसान की रहबरी और कयादत करने वाला हो। क्या आप लोग उसका साथ देते हैं या उसकी बात की मजम्मत करते हैं? मुसलमान कुरान के एक एक हर्फ पर हमारा ईमान है। तुम तो क्या हो ओ नादानो और बेवकूफो, तुमसे बड़े बड़े फलासफर आए जिनको कुरान ने कहा फइल्लम तफअलु वलन तफअलु, क्या ख्याल है? वइन्कुन तुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लि, एक सूरत लेकर आओ। तुम तो क्या हो, तुम्हें तो अपने मजहब का ज्ञान नहीं है, तुम हमारे मजहब का ज्ञान क्या दोगे?
जो मुसलमान नाम रख कर कुरान के बारे में ऐसी बात कहेगा, क्या ख्याल है तुम्हारा, वो मुसलमान है या दायरे इस्लाम से निकल गया है? मुफ्ती से मत पूछो, इमाम से मत पूछो, आप अपने ईमान से पूछो। जो आदमी कुरान के एक लफ्ज का इनकार करता है, आपका ईमान क्या कहता है, वो मुसलमान है या गया? वो तो दायरे इस्लाम से निकल गया। और जो 26 आयतों का इनकार करे, उसको अपने खाते में रखोगे या बाहर निकालोगे? दवन्हाज सख्त बात गैस न करे, सख्त बात नहीं बोलनी चाहिए। वो कुरान के खिलाफ भूखे, वो कुरान के खिलाफ बकवास करे, हम ये भी ना कि कुरान हक है। सुनो पूरी दुनिया के इंसानों, सुनो कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास आखिरी सूरत तक एक एक लफ्ज हक है, एक एक आयत सच्ची है। वो मुनज़्ज़ल मिनस समा है, वो अबू बकर की इख्तिरा नहीं है, वो अली की बनावट नहीं है, वो उस्मान की सजावट नहीं है, वो कुरान का मुनज़्ज़ल मिनस समा वाली आयत है। हम उसके एक एक हर पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना अपने लिए फख्र समझते हैं। लगता है वो अबू बकर का दुश्मन है, वो उमर का दुश्मन है, वो उस्मान का दुश्मन है, रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। हम ये समझते हैं, हमारा ये अकीदा है, मेरा ये ईमान है, अबू बकर इस कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन आदमी है, सबसे आला आदमी है, सबसे तकवे वाला आदमी है, सबसे मजबूत ईमान वाला आदमी है। तमाम कायनात को छोड़कर, अंबिया को छोड़कर सबसे बेहतरीन इंसान इस धरती पर अगर कोई गुजरा है, वो अबू बकर गुजरा है। और वो क्या अबू बकर ने ज्यादती की? हम ओ मुसलमानों सुनो, तुम्हारे नबी ने कहा है, मौलवी कहो उसको निकाल दो, मुफ्ती कहो उसको परे फेंक दो। तुम्हारे नबी ने कहा, तुम्हारे नबी की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज एक एक लफ्ज सच्चा है। वो नबी ये कहता है, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता। और जानते हो उस्मान कौन है? उस्मान वो है जिसके निकाह में यके बाद दो, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आई है, जिनके बारे में आपने कहा जुन्नूरेन, और आपने फरमाया अगर मेरी और बेटियां होती एक एक करके मरती जाती, मैं एक एक करके हर बेटी को उस्मान के निकाह में देकर चलता। और उस्मान वो है जो कुरान पढ़ते पढ़ते जब खून गिरा, किसी का खून गिरता है जमीन पर, किसी का खून गिरता है पत्थर पर, किसी का खून गिरता है गाड़ी पर, किसी का खून गिरता है दरख्त पर, किसी का खून गिरता है पानी पर, उस्मान वो अल्लाह का नेक बंदा है जिसका खून गिरा था अल्लाह के कुरान पर। उन सहाबा के बारे में हमारा ये अकीदा भी है। अकीदा एक बुनियादी चीज हमारे लिए, अगर अमाल कितने ज्यादा होंगे, अकीदा अगर नहीं होगा सारे अमाल जाया हो जाएंगे। अकीदा दुरुस्त होगा, अमाल में कमी होगी, पिट पिटा कर जन्नत में चले जाएंगे। सहाबा के बारे में हमारा अकीदा है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, आदिल थे। अगर कहीं इज्तिहादी खता हुई होगी उनने फौरन तोबा की, लेकिन ये तीन सहाबा और इनके साथ और सात सहाबा जिनके बारे में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं कई मरतबा जन्नत की बशारत दी, जिनको कहा जाता अशरई मुबशरा, 10 वो सहाबा जिनकी जन्नत की बशारत खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आपने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, इन चार सहाबा को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इन लोगों की बातों को अल्लुहा बिन नवाजिज, इनकी बातों को इन दांतों से मजबूती के साथ पकड़ के रखना,
और अबू बकर वो अबू बकर है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर मैंने सब का हक अदा किया सिवाय तुम्हारे, मैं तुम्हारा हक अदा न कर सका। क्या वो अबू बकर कुरान के अंदर खयानत करेंगे? क्या वो उमर कुरान के अंदर खयानत करेंगे? क्या वो उस्मान कयाम कुरान के अंदर खयानत करेंगे? लेकिन इस तरह के लोग दुनिया के अंदर पैदा होते रहेंगे, चल रहे हैं, इस्लाम पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक नहीं हजारों एप्लीकेशन देता रहे, इस्लाम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाज सादा लोग मुसलमान जिनको कुरान और हदीस का मुकम्मल इल्म नहीं होता है या वो उलमा के साथ जुड़े हुए नहीं होते, उनको धोखा लग जाता है। फिर करना क्या है, हम इस धोखे से निकलेंगे कैसे? पहली गुजारिश यह है कि वो नेट के मौलवी, वो नेट के मुफ्ती, वो यूट्यूब के मुहद्दिस और फकीह जिनको आप बराह रास्त नहीं जानते हो, उनकी हर बात को फॉलो मत करो। खासतौर पर जवानों से अर्ज कर रहा हूं कि वो उलमा जो बज़ाहिर कुरान कहते हो, हदीस पढ़ते बोलते हो, तफसीर कहते हो, सब कुछ बयान करते होंगे, लेकिन जाती तौर पर आप उनको नहीं जानते हो, अगर कोई डाउटफुल बात वो करेंगे आप उनको रिजेक्ट करो, हम नहीं सुनेंगे। इसलिए कि ऐसे दज्जाल यूट्यूब में बहुत है जो शक्ल में सूरत में मुसलमानों की तरह हदीस में यहूद और नसारा के एजेंट फिर रहे हैं। फिर जो आपके करीब में है, जिनकी जिंदगी कौल और फेल आपको लगे कुरान और हदीस से मिलती जुलती है, हम ये भी नहीं कहते हैं कि हर बंदा दूध का धुला हुआ होगा, भूल चूक मुमकिन है, लेकिन जिसकी जिंदगी आपके सामने है, जिसका कौल और फेल आपके सामने है, मैं नहीं कहता आप इस मकतबे फिक्र वाले को, इस मकतबे फिक्र वाले को, इस मकतबे फिक्र वाले को, हर मकतबे फिक्र वाला कहता मैं हक हूं बाकी गलत है। आपको यह देखना है कि इस बंदे की जिंदगी सुन्नत से, शरीयत से, माशरत में, मामलात में, अखलाकियात में, किरदार में कितनी कुरान और हदीस से जुड़ रही है, मैं उसको फॉलो करूंगा। फिर भी ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे और किसी एक को अपना बड़ा मान लेंगे, बड़ा उसको मानो जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर उससे पूछ पूछ कर अगर आपको किसी का बयान सुनना भी है, पढ़ना भी है, उनसे पूछ पूछ कर उसको पढ़ो भी सुनो भी, तो शायद इन फितनों से हम बच जाएंगे। वरना हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना वो आएगा कि तुमको किसी दरख्त की आड़ में बैठकर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, हत्ता युद्रिककल मौत, यहां तक कि तुमको मौत आ जाए। लेकिन अभी वो हालात तो नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह के फितनों का दौर चल रहा है। अल्लाह पाक मेरी और आपकी इन तमाम फितनों से हिफाजत फरमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी सारी जिंदगी गुजार कर खातिमा बिल खैर फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जितनी देर में ये दो चार ऐलान हो जाएंगे, हमारी मस्जिद के सिलसिले में जो लोग 100-100 रुपए का चंदा करते हैं वो खड़े हो जाएं, 100-100 रुपए का चंदा कर लें। ये एक हमारे साथी है मुफ्ती बिलाल अहमद साहब कासम।